तो हेलो वांशी लवर्स एंड निशा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस थैंक यू सो मच मुझे लेकर इतने ज़्यादा सपोर्टिव होने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। आप सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, तो इसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। तो चलिए आज का भी ये ब्यूटीफुल सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईगो भी थकान की वजह से सो चुका है, बेहोश हो चुका है, और वो भी शाहजहान के बगल में एक दूसरे बेड पर आराम से सो रहा है। और यहाँ हमारे शाहजहान और उनके छोटे ब्रदर्स के बीच में एक छोटी सी क्यूट सी कन्वर्सेशन हुई। और उसके बाद जान से जान ने कहा, जान क्या लगता है तुम्हें क्या होगा शुशे और मंग्याओ के साथ, क्या चाहते हो? तब शाहजहान ने कहा, क्या मतलब है मैं क्या चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। तब नान से जान ने कहा, मुझे पुलिस का फ़ोन आया था कि हमें कोर्ट में चलना होगा क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, तो इसलिए। तो फिर शाहजहान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि उसे फांसी हो, मैं नहीं चाहता कि एक पल में उसका सारा दर्द मिट जाए, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़िंदगी भर कैदी की तरह रहे, ताकि हर पल जब उसे दर्द हो ना, तो मेरे ईबो को उसने जो दर्द दिया है ना, तो उसका रियलाइजेशन उसे हो, जब वो कैद होकर रहे ना, वो उसे पता चले कि कितना दर्द होता है। तब लांसी चाहने का, ठीक है ऐसा करो, तुम और ईबो यहीं रहो, हम सब को अब कोर्ट में जाना होगा क्योंकि अब हियरिंग का टाइम हो चुका है। तब लैन ई और यानली ने कहा, हम दोनों क्या करेंगे जाके, हम यही अपने बेटों के साथ रहते हैं। और सब चारों ही बड़े भी यही करना चाहते थे। तो फिर लैन से चैन ने कहा, मम्मा आपको चलना चाहिए, आप सबको चलना चाहिए, यहाँ शाहजहान है ना ईबो के लिए, ईबो के पास, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाहजहान अब ठीक है। पर एक मदर का हार्ट तो एकदम अपने बेटे के लिए वैसे एकदम प्यारा सा होता है, और वो अपने बेटे को चोट में दर्द में छोड़ कर कहीं जा सकती। तब लैन ई ने और यानी दोनों ने एक साथ मना करते हुए कहा, नहीं तुम्हें जाना है तो जाओ, पर हम अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। और तब लैन ई ने लैन सिचैन को डांटते हुए कहा, सिचैन चुपचाप जिसे लेकर जाना है लेके जाओ, पर हम नहीं जा रहे कहीं भी। तब सिचैन ने कहा, मम्मा ठीक है आपको रुकना है तो रुकिए, फिर आप दोनों अगर कबाब में हड्डी बनी तो फिर मैं नहीं जानता, फिर आप मुझे नहीं कहिएगा कि सिचैन मुझे लेकर नहीं गया। तब लैन सिचैन बाकी सब की तरफ देख रहे थे और बाकी सब का रिएक्शन था कि वाह ऐसे डायरेक्ट कह दिया, और शाहजहान तो एकदम ब्लश करने लगा था, क्योंकि बात तो सही था क्योंकि शाहजहान अपनी ईबो की केयर नहीं करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर मम्मा ने कहा, बाकी दोनों मम्माज ने कहा कि नहीं हम लोग यही रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय उस कोर्ट में जाने के। तो बाकी सब चले गए और हमारी दोनों मदर्स और शाहजहान हमारे ईबो के पास थे। दोनों मदर्स ने चेयर लेकर बैठ गए थे और शाहजहान भी ईबो के पास था, उसने ईबो को हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, शायद से मैं गुड अल्फा नहीं हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया मैं। तब लैन ई और याली दोनों ने शाहजहान को समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, हम लोग चाह कर भी उसे ठीक नहीं कर सकते, हम क्या करें क्या ना करें हमें खुद भी नहीं समझ आता। तो खामखा बहुत सारे टेंशन लेने से अच्छा उस सिचुएशन को जैसे वो हो रहा है ना बस उसे होने दो, और अभी चांद तुम चाह कर भी काबू नहीं कर सकते, ईबो जो फील करता है वो चाहे तो तुमसे शेयर कर सकता है, पर तुम इसे फोर्स नहीं कर सकते, ईबो को भी टाइम की ज़रूरत है और वो जल्दी रिकवर कर लेगा, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। तब शाहजहान ने कहा, हाँ उसे रिकवर करना भी होगा मेरे लिए। तब शाहजहान ने दोनों मम्मा को अपने हाथों को पकड़ते हुए कहा, मम्मा मुझे ईबो को प्रपोज़ करना है, तो बताइए ना
क्या आइडियाज़ बताइए, मतलब प्लीज़ थोड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताइए। तब दोनों ही मम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, तुम हमसे आइडिया चाहते हो? तब शाहजहाँ ने कहा, हाँ हाँ बताइए तो सही, आखिर आप दोनों को ही आपकी अल्फा ने कैसे प्रपोज किया था? तब यानली और लानी ने दोनों को ही अपने अपने प्रपोजल्स बताए कि कैसे उनके अल्फा ने उन्हें प्रपोज किया था। शाहजहाँ को आइडिया अच्छा तो लगा, पर उसने कहा कि नहीं, मेरे ईवो को मैं प्रपोज करूँ तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने ईवो को अपना बना लिया, मेरा क्लेम पूरी दुनिया ने देखा तो मेरा प्रपोजल भी पूरी दुनिया को देखना होगा और हमारी मैरिज भी, मैं इसे एकदम ग्रैंड करूँगा। तब लानी और यानली दोनों नहीं एक दूसरे की तरफ एक प्यारा सा स्माइल पास किया और तब शाहजहाँ से कहा, तो बताओ आइडिया क्या है? तब शाहजहाँ ने कहा, आइडिया तो बहुत ख़ास है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको भी सारी ऑडियंस के साथ वेट करना होगा तो ही मैं बताऊँगा और मेरे ईवो को भी। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा शैतानी आइडियाज़ आ रहे थे और शाहजहाँ के चेहरे की स्माइल ही बता रही थी कि ज़रूर वो कुछ करने वाला है। तब यानली ने उसके कानों को पकड़ते हुए कहा, जान अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम उसे बहुत मार खाने वाले हो। तब जान ने करते हुए कहा, मम्मा रुकी रुकी रुकी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तब लानी ने कहा, अरे क्यों कर रही हो तुम ऐसा, मेरे बेटे को तुम चोट पहुँचा रही हो। तब यहाँ दोनों ही मम्मा की क्यूट सी आर्गुमेंट हुई अपने बेटे शाहजहाँ के लिए और शाहजहाँ को देख के बहुत अच्छा लगा कि उसकी दोनों ही मम्मा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। बस अब उसे एक चीज़ की फिक्र थी, ईबो की होश में आने की। वो सच में नहीं चाहता था कि उसकी ईबो कुछ भी हो, इसलिए उसने कहा कि मम्मा क्या आप मुझे फ़ोन देंगी, मुझे किसी को बुलाना है। तब यानली ने उसे उसका फ़ोन दिया और तब उसने कॉल किया और कहा, डायरेक्टर अंकल प्लीज़ क्या आप ईबो के घर में दो दिन बाद आ सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि शूट दोबारा से स्टार्ट हो। तब अंकल ने कहा, शाहजहाँ तुम्हें पता है ना ईबो के साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या पूरी दुनिया को पता है, तब भी तुम चाहते हो? तब जान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ईबो जल्दी से हील हो जाए, वो अपनी हेल्थ से हील हो चुका है पर उसे मेंटली स्ट्रांग होना होगा, उसे इस दुनिया को फेस करना ही होगा और जान हमेशा उसके साथ खड़ा तो रहेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग बने और इसलिए अब वो शूट पर जाएगा। तो यहाँ से दो दिन बाद हमारा वांगशिन मींस हमारे ई जान एकदम ठीक ठाक हो गए थे। हमारे जान को भी दर्द होता था पर उसके अभी तक घाव भरे नहीं थे, पर उसकी ज़िद थी कि नहीं ईवो के साथ ही वो घर जाएगा, तो हार कर डॉक्टर्स ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी। और तब एज़ यूजुअल एज़ प्लान्ड शाहजहाँ के बुलाने पर ईवो के अंकल डायरेक्टर वहाँ पे आ गए और तब ईवो ने कहा, अंकल आप यहाँ? तब डायरेक्टर ने कहा, ईवो हमें शूट तो दोबारा स्टार्ट करनी होगी, तो बताओ कब से आ रहे हो? ईवो इस पर बिल्कुल भी रेडी नहीं था, उसने कहा, अंकल प्लीज़ क्या आप मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं? तब अंकल ने जान की तरफ देखा और कहा, पर इससे पहले वो पूरा कहते जान ने कहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ ईबो। जान तब ईबो जान की तरफ देख रहा था क्योंकि जान को सब कुछ पता था कि ईबो अभी भी ठीक नहीं है, उसे रात में डरावने सपने आते हैं, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल बेड पे था जान उसके बगल में ही था, वो रात में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कभी रोने लगता तो चिल्लाने लगता। तब जान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम हर्ट हो पर तुम्हें हील होना होगा, मेरे लिए होना होगा, तुम्हें वही मेरी प्यारा सा क्यूटी सा ओमेगा बनना होगा जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा ईबो, मेरे लिए तुम्हें बनना होगा। ईबो ने कहा, पर सबको पता है कि वह क्या हुआ था, सुशा मैंगिया ने सब कुछ मीडिया में बता दिया था, अनाउंस कर दिया था और सब। तब जान ने कहा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें पता है ना सब उन्हें ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हें कुछ भी कभी नहीं होगा जब तक जान यहाँ है। तब ईबो ने कहा, ठीक है। तब जान ने कहा, तो डन हम लोग आज से
अब चलते हैं। तब दोनों ही मम्मा भाई और जान के कानों को एक एक तरफ से पकड़ते हुए कहा, क्या? तब जान बोल लाइक मुझे चूड़ी मुझे दर्द हो रहा है, अच्छा ठीक है मैं कल से जाऊँगा, मीन्स हम कल से जाएंगे। और तब जाके दोनों ही मम्मा ने उसे कानों को छोड़ा और कहा, ठीक है अच्छे से समझ लो। और उसके बाद वो सभी अभी ईवो के घर पे ही थे और वहाँ पे गेस्ट रूम में वो शौजान के ब्रदर्स उसकी और वहाँ रुके थे, और यानली की और यानली और लानी एक कमरे में, और अंकल चिड़न और जिशवन एक कमरे में रुके थे। अब बचे हमारे शौजान और ईवो। तो मम्मा के कहने पर शौजान तो ईवो के कमरे में चला गया। ईवो को ये बात नहीं पता थी, वो अपने कपड़े बदल रहा था। और तब जाने देखा कि उसका प्यारा सोमेगा शर्टलेस उसके सामने खड़ा। ईवो ने भी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जान क्या तरीका है मेरे कमरे में आने का? जान ने कहा, अरे अपने ओमेगा के कमरे में आने के लिए अब अल्फा को परमिशन चाहिए होगी। तो ईवो ने कहा, हाँ बाहर जाओ। तब धीरे 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 शौजान उसकी तरफ आने लगा और उसे पकड़ते हुए कहा, अच्छा मुझे परमिशन चाहिए, हाँ मुझे तो तुम्हें किस करने की भी परमिशन नहीं चाहिए। उसने ईवो को अपनी आम में थोड़ा सा लिफ्ट किया और कहा, तुम देखना चाहते हो? और उसने जोर से ईवो को एकदम पैशनेटली तो बहुत ही प्यार से किस करना स्टार्ट किया। और ईवो को शायद से किसकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो सच में शौजान के टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो एक दिन जो वो वहाँ था वो बहुत ज़्यादा डर गया था, और जैसे शुशे ने उसकी लिप्स पे इतनी बुरी तरीके से बाइट किया था कि अब उसे सच में शौजान की उस सॉफ्ट सी टच की ज़रूरत थी। तो उसने भी बिल्कुल भी कुछ भी मना नहीं किया और उसने भी इस किस में साथ दिया। और दोनों की 5 मिनट तक किस होने के बाद तब जब हमारी ईगो की सांसें कम पड़ने लगी, तब फाइनली जाने धीरे 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 उस हमारे ईगो के लिप्स को छोड़ा। और तब जानने का, वाओ तुम्हारे लिप्स तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, शायद से मुझे हर रोज़ एक किस करना चाहिए। अरे हर रोज़ एक क्यों, हम लोग 3 बार दिन में खाना खाते हैं, तो फिर मेरी मेडिसिन की तरफ मैं भी इसे 3 बार लूँगा। तब ईवो ने कहा, मेडिसिन नहीं है ये। तो जान ने कहा, पर मेरा लव तो यही है, और अगर मैं कहूँ ना कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि अगर मैं इसे किस से कंपेयर करूँ तो पूरी लाइफ पे अगर मैं तुम्हें किस करूँ ना तो भाई कम होगा, क्योंकि मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है। ईवो उस पर शाई करने लगा, उसके चिक्स एकदम पिंकिश हो गए, एकदम खुशबू एकदम पिंक हो गए, उसके कान भी रेड हो गए, और वो जल्दी से अपना टॉवल लिया और बाथरूम में भाग गया। जान वहाँ खड़ा के मुस्कुरा रहा था, उसने अपने ओमेगा को इस तरीके से रिएक्ट करते नहीं देखा। उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, क्यूट है, पर ऐसे ब्लश करते हुए उसने पहली बार देखा था ईवो को, और इसे देखकर जान को बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट दिन दोनों ही रात में एक साथ सोए थे। हमारे जान ने प्यार से ईवो को अपनी बाहों में एकदम बच्चे की तरह सुलाया था, और ईवो भी एकदम क्यूटली उसके आर्म्स पे बहुत ही प्यार से सो रहा था। सुबह होते ही जब जान ने देखा कि अभी भी ईवो सो रहा है, उसने ईवो के लिप्स पर फिर से एक किस किया और ईवो को इस तरीके से उठाया। उसने ईवो को अपने आर्म्स में लिया और बाथरूम में बैठा दिया, टब में। और ईवो ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे बात कराओगे क्या? जाओ यहाँ से, मैं नहा लूँगा। अब जान ने कहा, वैसे ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें नहाने में हेल्प कर सकता हूँ। तब ईवो ने कहा, तुम जा रहे कि तुम मार खाओगे मुझसे? तब जान ने कहा, मुझे तो दर्द हो रहा है और तुम अभी मारना चाहते हो मुझे। वो एकदम अपनी उसी नॉटी वाली वे में कह रहा था और ईवो को सब समझ आ रहा था। उसने कहा, तुम मुझे फूल समझते हो, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है, तुम क्या करना चाह रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। उसने जान को भगा दिया बाथरूम में से, और 15 मिनट तक शावर लेने के बाद वो बाहर आया, और उसके बाद जान गया। ईवो रेडी हो रहा था और जान उसके कमरे में एंटर करा, उसने केवल एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसकी पूरी चेस्ट ईवो को दिख रही थी। ईवो तो एकदम वो अपनी टेबल के सामने बैठकर रेडी हो रहा था, और जब उसने जान को ऐसे देखा तो फिर से उसके चेक्स एकदम पिंकिश हो गए और उसके कान एकदम रेड रेड हो गए। और जब जान ने इसे नोटिस किया तो वो ईवो के पास आया और अपनी बालों से खेलते हुए कहा, तुम्हें किस चाहिए ईवो?
तो ये बनेगा क्या कह रहे हो, मुझे नहीं चाहिए किस। पर जान ने कहा, पर तुम्हारे गाल तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। ये बोले क्यूटी, अपने हाथों से अपनी गाल को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं कह रही है, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जान ने इस पर स्माइल किया और वो टर्न हो गया, अपने कपड़े दे लेने लगा। और तब ईवो ने देखा कि अभी भी उस नाइफ का कट है वहाँ पे। ईवो खड़ा हुआ और धीरे से जान के पास जाते हुए उस निशान को उसने टच किया। ऐसे जान को दर्द हुआ और उसने कहा, ईवो, ईवो ने कहा, ये दर्द होता है ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों लिया उसे तुमने। तब जान ने कहा, तुम्हारी सामने आई हर एक प्रॉब्लम, हर एक पेन को सबसे पहले इस शौजान से होकर गुजरना होगा। उसने एकदम ऐसे एक्टर्स वाली स्टाइल में कहा था, जैसे हीरोज लोग कहते हैं। तब ईवन ने कहा, ये बहुत ज़्यादा चीज़ी हो गया। हाँ, तब जान ने कहा, क्या चीज़ी हो गया, ये तो डायलॉग था, मैंने देखा था एक मूवी में। तो जान और ईवन ज़ोर से हंसने लगे इस बात पर। हेलो मैंक्शन लवर्स एंड निशा लवर्स, तो आज के लिए बस इतना। हाँ मैं जानती हूँ कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड से, पर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ रिकॉर्डिंग करने, पूरे घर में मेरे आसपास शोर ही होता रहता है, तो सॉरी इसके लिए। तो चलिए, ऑलवेज लव वांगशन एनी जन, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।